नमस्ते एवरीबॉडी। आज का सब्जेक्ट है एंगर, गुस्सा। मुझे लगता है कि ये जो इमोशन है एंगर, इसको इसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है अमंगस्ट ऑल इट्स कजिन्स। जितने भी और इमोशंस हैं, उन इमोशंस के कंपैरिजन में एंगर को हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में डिग्रेड कर दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एंगर इज सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग विच वी ऑल हैव, इट्स अ ग्रेट वर्च्यू। अब डिपेंड करता है कि हम इसके साथ क्या करते हैं या इसको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एंगर एक टूल है तो गलत नहीं होगा। जस्ट लाइक एनी अदर टूल, आप इमेजिन करिए कि किचन में एक टूल है, लेट्स से नाइफ। कैन यू इमेजिन अ किचन विदाउट अ नाइफ, कि बिना छुरी के, बिना चाकू के किचन में क्या हाल होगा? तो इट इज सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग टू हैव नाइफ इन द किचन। लेकिन अगर हमने उसको हल्का सा गलत ढंग से इस्तेमाल किया, कहीं चूक हो गई तो हमारी उंगली भी कट सकती है। सेम इज द केस विद लेट्स से हैमर, कि कारपेंटर्स के लिए ब्लेसिंग है, ऑल दोस पीपल हु आर इनटू वुडवर्क एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कारपेंट्री, तो हैमर के बिना कैसे करेंगे काम? बट कहीं से चूक हो गई तो फिर वो हैमर जो है हमारे अंगूठे पे लग सकता है, उंगली पे लग सकता है, एंड वी कैन गेट हर्ट। सेम इज द केस विद एंगर। सो एंगर इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो आइए क्यों ना मिलके इसको हल्का एक्सप्लोर करते हैं एंगर को, और समझते हैं कुछ बातें एंगर के बारे में, कि ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे, हाउ एंगर इज बॉर्न, what anger does and what we can do with anger. तो anger की अगर हम बात करें कि birth कैसे होती है, so one of the I think simplest reasons why anger is created is because of non-acceptance. कि कोई चीज हो रही है जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही है, it's not happening the way we want it to happen, and we have a state of non-acceptance inside. हम उसको स्वीकार नहीं रहे, accept नहीं कर रहे, so that non-acceptance of that situation which has happened in the past or is happening in the present, this non-acceptance will lead to a negative emotion which starts with, let's say, frustration. तो हल्का सा एक frustration होता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों behave कर रहा है इंसान। और अगर वो situation, वो state और लंबे समय तक continue होती है, तो frustration becomes aggression और frustration becomes anger. To give you a simple example, आप office जा रहे हो and you are in a rush because आपकी मीटिंग है ऑफिस में, और अब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, एंड यू हैव अ सर्टेन डिस्टेंस इन माइंड एंड अ सर्टेन टाइम इन माइंड, कि आप इतना डिस्टेंस इस टाइम में कवर करोगे। लेकिन उसी दिन, उस समय आपके सामने एक और गाड़ी है, और वो गाड़ी का जो ड्राइवर है उस समय, उसको लगता है कि 30 की स्पीड ही उसकी लाइफ का सबसे मैक्सिमम स्पीड है। होता है कभी कभी, जिस दिन आपको जल्दी जाना होता है तो कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। सो आप उसको हल्का सा हॉर्न करते हो कि तू साइड हो जा, मैं आगे निकल जाऊं। Maybe that guy doesn't listen. Maybe that guy does not know how to give side. Maybe that guy doesn't want to give side. We don't know. लेकिन वो आपको साइड नहीं देता। Now this is the situation कि वो साइड नहीं दे रहा है और आपको आगे जाना है। जब आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते मेंटली, तो आपके मन में सवाल आते, ऐसे कैसे साइड नहीं दे रहा है? इसको मालूम है कि नहीं मुझे जल्दी जाना है? इसको गधे को कहीं जाना है कि नहीं जाना है? ऐसे लोग को गाड़ी कौन दे देता है सड़क पर चलाने को? Now this state of non-acceptance leads to such questions, leads to such thoughts, और उन थॉट से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। और अगर वो आधा एक मिनट और सिचुएशन कंटिन्यू हुई, राइट, और वो उसने हमें फिर भी पास नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में तब्दील होता है, एंगर में तब्दील होता है। एंड मे बी हमारा हॉन्किंग थोड़ा तेज हो जाता है उस गुस्से में, हमारा हॉन्किंग जो है, जो हॉर्न बजाते हैं, थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला हॉन्किंग, पैं 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 हो जाता है। मे बी हम जब उसको ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो हम उसको ऐसा देखते हैं कि जैसे अभी तू रुक तो खा जाऊंगा। या अगर एंगर और लेवल पर चले गया, तो हम रोल डाउन करते हैं अपना कांच, और फिर उसके खानदान को याद कर लेते हैं, चाहे उसको सुनाई दे ना दे। तो ये एंगर का एक आउटकम हो जाता है। बट द वे द एंगर इज बॉर्न इज बिकॉज हमने किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही थी। नाउ दिस इज द वे मेनी टाइम्स एंगर इज बॉर्न। नाउ व्हाट एंगर डज टू अस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जब भी हमें गुस्सा आता है या हमें गुस्सा फील करते हैं हम, तो ये हम बाहर से कहीं गुस्सा आता नहीं है, वी आर क्रिएटिंग एंगर विद इन अस बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो जब भी हम गुस्सा फील करते हैं, समवेयर दिस एंगर मेक्स अस फील अ बिट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ्स, और हमें लगता है कि हम अभी कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, चाहे हमारी काबिलियत हो ना हो, चाहे हमारी नॉलेज हो ना हो। तो हम उस गुस्से के कारण कुछ चीजों में घुस जाएंगे, या कुछ लोगों से भिड़ जाएंगे, या कुछ काम ले लेंगे, या कुछ कामों में अपने आप को हम फंसा देंगे जो शायद हम जिसके काबिल ना हो। और अक्सर गुस्से में लिए हुए डिसीजंस या गुस्से में किए हुए एक्शंस
उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होते। तो आप गुस्से में जाके किसी से आप भिड़ जाते हो कि चल देखते तो क्या कर लेगा, मारेगा मुझे, तो आप ही उसको इन्वाइट करते हो कि मारेगा मुझे, हाथ लगा के देख। तो शायद आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो, शायद आप उस सिचुएशन को निपटने लायक नहीं हो काबिलियत वाइज, लेकिन आपका गुस्सा आपको ऐसा बता देता है या अंदर से क्रिएट करता है कि आप काबिल हो। मे भी शायद ऑफिस में आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो आप गुस्से में कहते हो ला मैं ये काम कर लूंगा, या आप गुस्से में उसको निकाल देते हो थिंकिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स, और शायद आप उस काम के काबिल नहीं होते हो। तो ये एंगर हमसे करवाता है। नाउ दिस इज व्हाट, मैंने आपको दो बातें बताई कि एंगर कैसे क्रिएट होता है, सेकंड एंगर अक्सर हमसे क्या करवा देता है, इट मेक्स अस बिहेव अ बिट मोर कॉन्फिडेंटली। कहीं हमारी आवाज बुलंद हो जाती है, कहीं हमारे एक्शंस बोल्ड हो जाते हैं, कहीं हमारी कम्युनिकेशन प्रोवोकेटिव हो जाती है, वी विल गेट इन्वॉल्व इन फाइट्स, वी विल गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स विच वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन। तो कहीं ना कहीं हमारी रीजनिंग जो है ना सैड हो जाती है जब ये इमोशन ऑफ एंगर कम्स। दिस इज व्हाट एंगर डस टू अस। नाउ व्हाट वी कैन डू विद एंगर, द थर्ड पार्ट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू इज आई बिलीव दैट एंगर पर से इज नॉट बैड। ये इमोशन बहुत ही अच्छा इमोशन है, और आज मैं एंगर को हीरो बनाने के रूप में आया हूं कि कैन वी क्रिएट एंगर, कैन वी सी एंगर एज अ हीरो इन आवर लाइव्स। हमने बहुत साल तक उसको विलन बना के रखा हुआ है। पीपल हैव बीन टॉकिंग, पीपल हैव बीन सेइंग दैट एंगर इज बैड, गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आई अग्री विद देम, बट टुडे आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस। तो ये एंगर के साथ हम क्या कर सकते हैं? आई बिलीव एंगर इज नॉट बैड अगर हम इसकी दिशा चेंज करते हैं। इफ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंगर फ्रॉम आउटसाइड टू विदन अस। तो जब हम गुस्सा में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल इमोशंस ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव इमोशन है, और ये एग्रेसिव इमोशन है तो इसकी काबिलियत है कि हमसे कुछ करवा जाता है। तो बाहर की दुनिया में शायद हमसे कुछ करवा जाए जो हमें नहीं करना चाहिए, तो अगर हमने एंगर को इंटरनली डायरेक्ट किया तो हमसे ये हमारे बारे में कुछ करवा जाएगा जो नॉर्मली हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपको, आपने गुस्से को बाहर डायरेक्ट किया तो आप किसी से लड़ लोगे जिससे नॉर्मली आप नहीं लड़ोगे, बिकॉज शायद आपसे फिजिकली स्ट्रांग है, शायद आपको नहीं उस सिचुएशन में जाना है, लेकिन गुस्सा आपसे वो काम करवा देगा। तो इसी तरह गुस्से को अगर हमने इंटरनली डायरेक्ट किया, अपने लाइफ में लेके गए, तो ये हमसे वो काम करवा देगा जो शायद हम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज आप थोड़े से वजन से भारी हो, यू आर ऑन हायर साइड, हेल्दी साइड ऑफ योर फिजिकल सेल्फ, और आप मोटे हो, और किसी ने आपको ऐसा टॉन्ट मारा, किसी ने आपको ऐसा तंग किया मोटे के रूप से, तो आपको गुस्सा, बिकॉज यू डिड नॉट एक्सेप्ट कि तू मुझे कैसे बोल रहा है, तो वो गुस्सा आपको आ रहा है। लेकिन अगर आपने वो गुस्सा बाहर की जगह इंटरनली डायरेक्ट किया कि मुझे मोटा बोला है, I'm feeling angry, I'm feeling upset, I'm not accepting this statement from him. So rather than me getting angry with him, और मैं उस पर बरसूं, मैं उस पर कुछ गुस्सा करूं, मैं उसको कुछ शब्द बोलूं, क्यों ना मैं अपने ऊपर ही डायरेक्ट करूं और कहूं कि मैं तेरे को दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपना वजन कम कर सकता हूं। And that emotion called anger, if directed inside, can push us to do something which we normally would not have done, और शायद एक अच्छा resolve create हो जाए, शायद एक अच्छी प्रतिज्ञा create हो जाए, because I feel many times anger leads to a resolve. गुस्सा एक अच्छी दृढ़ प्रतिज्ञा पे एक गुस्सा हमें लेके जा सकता है, बहुत भारी इमोशन है। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके हर्ट हुआ तो आप उसको, उस गुस्से को अपने अंदर डायरेक्ट करिए। प्रॉब्लम क्या है, दैट वी आर एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ्स, हमें खुद को लेके सुपर एक्सेप्टेंस स्टेज है, हम संत हैं खुद को लेके, लेकिन दुनिया को लेके हमें जीरो टॉलरेंस है। आई एम सेइंग लेट्स बी टॉलरेंट टू द वर्ल्ड एंड लेट अस बी in a state of non-acceptance of our weaknesses. So anger, अगर आप देखो तो ये इतना बढ़िया emotion है कि हमसे ये बहुत कुछ करवा सकता है. It can transform us, it can make us into somebody जो हम बनना चाहते हैं. The only thing is we have to direct it inside. तो मेरा आपसे कहना है कि क्यों नहीं गुस्सा करते हो खुद से, खुद की आदतों से जो आपको अच्छा नहीं बनने दे रही है, क्यों नहीं गुस्सा आप उनसे? क्यों नहीं आप गुस्सा हो खुद के लेट उठने से? क्यों नहीं आप गुस्सा हो आप रात को टाइम पास करने से? क्यों नहीं गुस्सा हो आप सोशल मीडिया पे आप इतना घंटे लग जाते हो? तो क्यों नहीं गुस्सा हो खुद से? दिस एंगर विद सेल्फ, एंगर डायरेक्टेड विद इन, कैन मेक अ लाइफ विच इज गोइंग टू बी वर्थ लिविंग। तो आपकी जितनी वीकनेसेस हैं उसको लेके आप नॉन एक्सेप्टेबल मोड में आ जाइए। तो आपने अपने आप को लेजी है तो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कोई और लेजी हो जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। कोई आपका टीम मेंबर लेजी हो जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। कोई टीम मेंबर लेट हो जाए तो एक्सेप्ट नहीं करते। खुद आप लेट आओ चलेगा,
गो इन टू अ नॉन एक्सेप्टेंस मोड फॉर योर सेल्फ. सो आपकी केयरलेसनेस, आपकी लेजीनेस, आपका एक एक हैबिट्स जो आपकी नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं उनको लेके अगर आप नॉन एक्सेप्टेंस मोड में आ गए तो कहीं जाने अनजाने में आप बहुत अच्छे उभर के आओगे, बिकॉज एंगर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, बहुत पावरफुल इमोशन. तो अब मैं इसको कहीं लीड करना चाहता हूं आपको, कि मैंने आपको बताया कि एंगर कैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया कि एंगर क्या करता है, और मैंने आपको यह भी बताया कि एंगर को अगर हमने इंटरनली डायरेक्ट कर दिया तो हमसे ये क्या करवा जाएगा, राइट. अब मैं इसको एक जगह लीड कर रहा हूं जो आज का एक माहौल है. लास्ट मेनी डेज वी हैव बीन हियरिंग, वी हैव बीन सीइंग दैट ये जो चाइना इंडिया का जो एक चल रहा है सिचुएशन, वेयर चाइनीज पीएलए हैज बीन अग्रेसिव ऑन द इंडियन साइड एंड वी हैव ऑल्सो बीन अग्रेसिव फ्रॉम आवर साइड एंड वी हैव लॉस्ट 20 प्रेशियस लाइव्स इन द लास्ट फ्यू डेज. और बहुत ये ऐसी घटना है जो जिससे हमें गुस्सा आ रहा है. वी आर इन अ स्टेट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस दैट हाउ कैन चाइनीज आर्मी एंटर आवर कंट्री, हमारी टेरिटरी पे कैसे आ रही है. तो ये गुस्सा है हमें, और उस गुस्से का हम इजहार कर रहे हैं. इफ यू वर टू सी ऑल ओवर द कंट्री, पीपल आर टॉकिंग अबाउट बॉयकॉटिंग चाइनीज गुड्स, एप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए, चाइनीज माल खरीदना बंद कर दीजिए. एंड आई एम ऑल इन फॉर दैट, कि ठीक है ये बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हैं सोच रहे हैं सही है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे कितनी आवाज करके कितने दिन लंबा रहेगा, ये कितना जिंदा रहेगा ये विचार कि लेट्स बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, लेट्स नॉट बाय. ये पहले भी हुआ है, कई साल पहले भी हुआ है कि हम नहीं खरीदेंगे, अभी फिर एक उसकी आवाज उठ रही है. सो आई एम सीइंग अलोंग विद दिस, इफ यू कैन डायरेक्ट दिस एंगर कि कैसे हमारे 20 जवान मार दिए इन्होंने, कैसे इन्होंने हमारे धरती पे इन्होंने कदम रखने की कोशिश करी, ये जो गुस्सा है, इफ यू कैन डायरेक्ट इट इनसाइड अस एंड से टू आवरसेल्व्स दैट वी विल कम आउट एज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर कंट्री, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो दुनिया लेने पर मजबूर हो, हम ऐसी क्वालिटी पे काम करेंगे वेयर वी विल गो बियॉन्ड चाइनीज गुड्स, हम इतनी मेहनत करेंगे एज टीम मेंबर्स, एज वर्कर्स, एज पीपल इन दिस कंट्री, विच विल आउट क्लास एंड गो बियॉन्ड व्हाट चाइनीज पीपल कैन एवर वर्क. तो क्यों ना ये गुस्सा खुद पे डायरेक्ट करें और खुद को बुलंद बनाएं, खुद को अच्छा बनाएं, क्योंकि एंगर बहुत पावरफुल इमोशन है, ये हमसे बहुत कुछ करवा जाता है, बाहर भी और अंदर भी. तो बाहर शायद हमसे कुछ गलत करवा जाए, लेकिन अंदर तो ये हमारी कमियों को बड़ा अच्छा कर सकता है. सो आई फील दैट ये इंडिया में बिजनेस आना, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जब मेरे से पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट लॉट ऑफ कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज विल कम टू इंडिया बिकॉज दे हैव एंटी चाइना फीलिंग, आई फील दे मे कम, बट आई फील दैट वाई शुड कंपनीज कम फ्रॉम द वर्ल्ड टू इंडिया बिकॉज ऑफ एन एंटी चाइना फीलिंग, वाई दे शुड नॉट कम बिकॉज ऑफ अ प्रो इंडिया फीलिंग. तो प्रो इंडिया फीलिंग तभी आएगी जब इंडियन गुड्स आर बेटर देन चाइनीज गुड्स. तो क्यों ना इस गुस्से को लेके हम बोले कि हम अच्छा माल बनाएंगे, वी विल मेक बेटर क्वालिटी गुड्स, वी विल बी एक्सेलिंग इन व्हाट एवर वी डू, एंड देन यू विल सी दैट समवेयर हम उस कंट्री को, उस देश को आउटक्लास कर देंगे. सो लेट दिस एंगर मेक अस बेटर, लेट दिस एंगर मेक अस ऑल द मोर पावरफुल. एंड आई फील दैट इफ यू रेजोनेट विद व्हाट आई हैव सेड, इफ यू कनेक्ट विद व्हाट आई हैव सेड, I strongly suggest that आप share करिए इस video को, and let's together take a resolve, let's together make एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे manufacturing में है, चाहे trading में है, चाहे हम profession में है, job में है, जो भी हम कर रहे हैं, क्यों ना हम उसमें अच्छे बने. ये गुस्सा सिर्फ एक social sites पे कुछ type करके या कुछ बाहर का करके, I think we should not let it go like this. Anything which happens inside, anything which is directed inside, is long lasting, is transformative. लेकिन कोई भी चीज हम बाहर डायरेक्ट करते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. तो ये कितनी आवाजें कब तक रहेंगी सोशल मीडिया में मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने हल्का सा भी गुस्सा अपने अंदर ले लिया, आपने गल्प डाउन कर लिया, आपने ऐसा अंदर से रिजॉल्व कर लिया दैट इन माई फैक्ट्री, इन माई कंपनी, इन माई एफर्ट्स, आई विल बी मच बेटर देन वॉट दीज गाइज आर इन चाइना, शायद हम उससे कहीं बेनिफिट कर पाए. एंड मे बी इन ईयर्स टू कम, 5-10 साल बाद हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम अच्छे इसलिए बने क्योंकि वो उस दिन अग्रेशन हुआ, उस दिन हमारे 20 सिपाही मारे गए, उस चक्कर में हम अच्छे बन गए. एंड देन दिस सिचुएशन विल ऑल्सो बिकम अ ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स. सो आई फील दैट एंगर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमोशंस वी हैव विद अस. हमने उसको ऐसे ही बदनाम किया हुआ बिकॉज वी हैव बीन डायरेक्टिंग इट आउटसाइड, लेट्स डायरेक्ट एंगर इनसाइड एंड मेक अस बेटर. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते.